मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेट से संबंधित, नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित। और क्योंकि दर्शन के पाश्चात्य संप्रदाय ले रही हूँ मैं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी कि जो दर्शन है उसका वेस्टर्न स्कूल के प्रति कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आदर्शवाद को, यानी कि आइडियलिज्म को। तो आदर्शवाद जो है, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्श क्या होता है? जैसे स्वामी विवेकानंद का चरित्र एक आदर्श है, रामकृष्ण परमहंस का चरित्र है वो एक आदर्श है, महात्मा गांधी का चरित्र है जो एक आदर्श है। जैसे ही नाम से बोला मैंने, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आदर्श है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो सिद्धांत बनाए वो खुद के प्रति तो बनाए ही सही, खुद नियमों का पालन किया, बल्कि अपने देश को आगे ले जाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, और जीवन भर नियम सिद्धांतों और नैतिक आचरण के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो हम पहला क्वेश्चन लेते आदर्शवाद का। प्रत्ययवाद दर्शन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषतया लागू होता है, है ना? प्रत्ययवाद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विशेषतया लागू होता है? तो मैं आपको चार ऑप्शन बोलूंगी, आपको बताना है। ए है ज्ञान शास्त्र, बी है तत्व ज्ञान, सी है मूल्य शास्त्र और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि प्रत्ययवाद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विशेषता लागू होता है। तो प्रत्ययवाद, क्योंकि हम आदर्शवाद में पढ़ रहे हैं, तो आदर्श में क्या होता है? ज्ञान होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ज्ञान शास्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आदर्शवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पद दर्शन के यानी कि स्टेप, है ना? तो आदर्शवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है मूल्य शास्त्र, यानी कि जब तक वैल्यू नहीं होगी जीवन में, मूल्य नहीं होंगे हमारे आचरण में, मूल्यों का प्रभाव नहीं होगा, तब तक हम आदर्श स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। तो पद दर्शन में कौन सी चीज सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है मूल्य शास्त्र। तीसरा क्वेश्चन, अध्यात्मवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अध्यात्मवाद के लिए क्या करना पड़ता है हमें? यदि हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हम तत्व की तरफ ध्यान देते हैं, है ना? ईश्वर क्या है, बालक कैसा होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है, निष्कपट होता है, है ना? उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो निस्वार्थ प्रेम करता है, और अध्यात्मवाद यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था होना, पानी जल वायु अग्नि इन तत्वों के प्रति पूरा ध्यान देना। तो ये किसके आएगा? क्वेश्चन था अध्यात्मवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो होता है तत्व ज्ञान के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियलिज्म पद के लिए निम्नलिखित में से कौन से पद उपयुक्त हैं? आइडियलिज्म के लिए यानी कि आदर्शवाद के लिए, आदर्शवाद जब पद की बात आती है तो कौन से पद उपयुक्त हैं? मैं चार ऑप्शन बोलती हूँ, आपको वक्त देती हूँ सोचने का। ए ऑप्शन ए है प्रत्ययवाद, बी है आदर्शवाद, सी है अध्यात्मवाद और डी है उपरोक्त सभी। तो जब आइडियलिज्म की बात होती है तो उसमें कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, आइडियाज भी आते हैं और ये अध्यात्म भी आता है, ईश्वर के प्रति सत्ता भी आती है। तो इनमें तीनों चीज आएगी, प्रत्ययवाद भी आएगा, आदर्शवाद भी आएगा, अध्यात्मवाद भी आएगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन, आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है? क्वेश्चन था ये, दोबारा रिपीट करती हूँ, आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो हमें लक्षण बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसकी, तो देखते हैं। ए ऑप्शन है विश्व आत्म तत्व में अवस्थित, यानी कि जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, वो किसमें अवस्थित है? कि एक आत्म तत्व है उसमें टिका हुआ है, ठीक है। बी है यांत्रिक व्याख्या अनुपयुक्त, यदि हम मशीनों की बात की जाए,
या अन्य उपकरणों की बात की जाए तो ये बताते हैं कि ये अनुपयुक्त है। सी है इसमें प्रयोजनवाद, ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या आंसर होगा, आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण क्या है, उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि आत्म तत्व मौजूद है विश्व, यांत्रिक व्याख्या भी है, योजनाबद्ध भी है ईश्वर के द्वारा, उपरोक्त सभी सभी चीजें इसमें आएगी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। आध्यात्मवाद के अनुसार जगत में परम तत्व निम्नलिखित में से क्या है, आध्यात्मवाद के अनुसार जगत में परम तत्व निम्नलिखित में से क्या है, तो वो देखते हैं, आत्म तत्व है, मनस तत्व है, प्रत्यय है, उपरोक्त सभी। तो आध्यात्मवाद में क्या क्या चीजें आती है, एक तो अपने सोल, ठीक है, एक मनस हमारा मन और एक कॉन्सेप्ट, तो इसमें तीनों चीजें आ जाएगी, आत्म तत्व भी आ जाएगा, मनस तत्व भी आ जाएगा, प्रत्यय भी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों चीजें इसमें शामिल है, किसमें, आध्यात्मवाद में। सातवां क्वेश्चन, जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करती हूं मैं, जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या अनुपयुक्त है, अच्छा कौन से अनुपयुक्त है तो वो बताना है, अनुपयुक्त बताना है, ओ सॉरी, कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, सॉरी उपयुक्त बताना है कि जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, ठीक है, तो उपयुक्त व्याख्या कौन सी है, इसमें चारों ऑप्शन में देखना है सबसे सही क्या है, यांत्रिक उपयुक्त है क्या, मैकेनिज्म यांत्रिक, प्रकृतिवादी उपयुक्त है क्या, नेचुरलिज्म, प्रयोजनवादी उपयुक्त है क्या या विकासवादी उपयुक्त है क्या, आपको सोचना है चारों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उलझाने वाले होते हैं ऑप्शन जिसमें ज्यादा बेटर हमें ढूंढना होता है, तो ठीक है क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा प्रयोजनवादी, ठीक है ना, क्या होगा प्रयोजनवादी। आठवां क्वेश्चन लेते हैं अपन, आदर्शवादियों के अनुसार मानव और प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ठीक है, आदर्शवादियों के अनुसार, क्योंकि अपन आदर्शवाद को पढ़ रहे हैं, तो आदर्शवादियों के अनुसार मानव और प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ठीक है, कौन सा संबंध देखना है, बता, ए ऑप्शन है संघर्ष, बी ऑप्शन है सामंजस्य, सी है विरोध और डी है कोई नहीं, तो यदि मानव और प्रकृति के बीच में संघर्ष होगा तो कुछ भी सत्ता हाथ में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं बन पाएगा और संघर्ष लगातार चलता रहेगा, न मनुष्य जीवित रह पाएगा न प्रकृति जीत पाएगी, तो संघर्ष तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन है सामंजस्य, अब सामंजस्य में क्या होता है कि दोनों प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल होना जरूरी है, मनुष्य को प्रकृति की कितनी आवश्यकता है वो उसका उपभोग करे और प्रकृति को भी मनुष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रकृति के विकास में उसके उत्थान में उसको बनाने में भी मनुष्य का योगदान होता है, तो उसमें भी मनुष्य उसका प्रकृति में सहयोग करे। तीसरा है सी विरोध, के दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्या संभव है, नहीं। डी है कोई नहीं, तो हमारा इसमें क्वेश्चन रिपीट करती हूं मैं, आदर्शवादियों के अनुसार मानव और प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य और प्रकृति में जो संबंध है वो है सामंजस्य का, यानी कि आपस में तालमेल बना के चलते हैं तभी ये सक्सेस है और आगे लॉन्ग लाइफ है, कई शताब्दियों तक आगे चलने वाली है। नवा क्वेश्चन, आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान सृष्टि में केंद्रीय है, आदर्शवादियों के अनुसार सबसे जो स्थान है केंद्रीय स्थान वो किसका है, ईश्वर का है क्या, ईश्वर ने सब कुछ किया हुआ है सृष्टि में, एक तरह से मान सकते हैं पंचतत्व ईश्वर की देन है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। बी ऑप्शन है मानव, मानव है जो प्रकृति के साथ तालमेल भी बनाता है, ईश्वर की सत्ता को भी मानता है और मानव इंसानियत का सदाचार का परिचय भी देता है। जड़ तत्व,
क्या ऐसे जड़ तत्व है जो अपनी स्थान पे खड़े हुए हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते और निष्ठुर है। डी है आत्म तत्व। तो इसमें आपको बताना है कि आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान सृष्टि में केंद्रीय है। तो आप सब जानते हैं, सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार और सबसे अच्छा प्राणी कौन है? मानव है। तो इसका ऑप्शन होगा मानव। दसवां क्वेश्चन है, आदर्शवादी निम्नलिखित विज्ञानों में से किन पर अधिक जोर देते हैं? ठीक है, आदर्शवादी निम्नलिखित विज्ञानों में किन पर अधिक जोर देते हैं? ए ऑप्शन है नियामक विज्ञान, बी ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो मनुष्य किस पे जोर देता है? नियम, कानून, परंपराएं, प्रकृति के नियम, इन सब पे भी जोर देता है, उसके विज्ञान पे भी, समाज पे भी जोर देता है, सामाजिक नियम बना के उसमें समूह में एक दूसरे का साथ देते हुए भाईचारे से रहना। ठीक है, तो नियामक विज्ञान भी सही है और सामाजिक विज्ञान भी सही है, सी ऑप्शन है दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे दोनों। ग्यारह क्वेश्चन, आदर्शवादी जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से किसका समर्थन करते हैं? आदर्शवादी जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से किसका समर्थन करते हैं? तो आदर्शवादी किसका समर्थन करते हैं? क्या यांत्रिक का करते हैं, या प्रकृति का करते हैं, या मूल्यात्मक का?